सब्जेक्ट है इंटरनेशनल बैंकिंग एंड फॉरेक्स मैनेजमेंट, बीकॉम सिक्स्थ सेमेस्टर। आज का टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट दो वर्ड से मिलकर बना है, फॉरेन एक्सचेंज प्लस मार्केट। तो फॉरेन एक्सचेंज का मीनिंग है फॉरेन करेंसी, करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। जैसे अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जितनी भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनकी जो भी नेशनल करेंसीज हैं वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से फॉरेन करेंसीज या फॉरेन एक्सचेंज कहलाएंगी। मार्केट, मार्केट एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू क्या होता है, सेल परचेज होता है। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का क्या मीनिंग हुआ, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा मैकेनिज्म जिसके थ्रू क्या होता है, फॉरेन करेंसीज की जो सेल परचेज है वो होती है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब मीनिंग दे रखा है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का, क्या कहते हैं, ए मार्केट वेयर इंडिविजुअल्स फॉर्म्स बैंक्स बाय एंड सेल फॉरेन एक्सचेंज। एक ऐसी मार्केट जहाँ पर क्या है, इंडिविजुअल फॉर्म्स ऑफ बैंक्स क्या करते हैं, फॉरेन करेंसीज़ की सेल परचेज करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहलाती है। जैसे एग्जांपल दे रखा है, इंडिया का एक्सपोर्टर क्या करता है, अपनी जो गुड्स हैं वो अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है, तो उस एक्सपोर्ट की जो पेमेंट आएगी अमेरिका से वो अमेरिकन करेंसी के अंदर आएगी। तो इंडिया का एक्सपोर्टर जो है उस अमेरिकन करेंसी को एज इट इज़ इंडिया के अंदर यूज़ नहीं कर सकता। सपोज़ करो उस इंडियन एक्सपोर्टर को अपने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट देनी है, तो वो जो पेमेंट इंडियन एक्सपोर्टर अपने एम्प्लॉयज़ को देगा वो रुपीस में देगा, तो वो इंडियन एक्सपोर्टर क्या करेगा, उस अमेरिकन करेंसी को रुपीस में कन्वर्ट कराएगा। तो इस तरह से अमेरिकन करेंसी का रुपीस में कन्वर्ट कराना, ये जो करेंसी कन्वर्ट होगी ये किसके थ्रू होगी, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के थ्रू। इसके बाद है बाय डू इंडिविजुअल फॉर्म्स एंड बैंक्स बांट टू एक्सचेंज वन नेशनल करेंसी फॉर अनदर। ये क्या कहता है भी, जो इंडिविजुअल्स हैं चाहे बैंक्स हैं चाहे फॉर्म्स हैं, वो मतलब अपनी नेशनल करेंसी को किसी फॉरेन करेंसी में क्यों कन्वर्ट कराना चाहते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है। फर्स्ट दे रखा है डिमांड फॉर फॉरेन करेंसीज अराइज। फॉरेन करेंसीज के लिए जो डिमांड है वो क्यों बढ़ती है, इसके पीछे तीन कारण हैं। पहला दे रखा है डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिट अनदर कंट्री। जैसे अगर हमारा इंडिया का जो कोई इंडिविजुअल, इंडिया का टूरिस्ट फॉरेन टूर पर अगर जाता है तो वो वहाँ पर अपनी जो इंडियन रुपीस है उसको यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा जो इंडियन रुपीस है वो फॉरेन कंट्रीज़ में नहीं चलेगा। तो अगर उसने कुछ स्पेंडिंग फॉरेन कंट्री में करनी है तो उसको जो इंडियन रुपीस है वो उस कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। जैसे इंडिया का जो टूरिस्ट है वो सपोज़ करो अमेरिका जाता है, तो अमेरिका की जो करेंसी है वो डॉलर है, तो अमेरिका के अंदर रुपीस नहीं चलेगा, उस टूरिस्ट को अपनी स्पेंडिंग करने के लिए जो रुपीस है वो डॉलर में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। तो इस तरह से जो डिमांड है वो मतलब डॉलर की इंक्रीज होगी। इसी तरह से सेकंड पॉइंट दे रखा है डोमेस्टिक फॉर्म्स मार्ट्स टू इंपोर्ट। अगर हमारी इंडिया का मैन्युफैक्चरर कोई भी प्रोडक्ट फॉरेन कंट्री से अगर इंपोर्ट करता है तो जो इंपोर्ट की पेमेंट जाएगी वो किस में जाएगी, फॉरेन करेंसी में जाएगी, जो उस एक्सपोर्टिंग कंट्री की जो करेंसी है। तो इस तरह से जो इंडिया का इंपोर्टर है वो क्या करेगा, फॉरेन करेंसी के लिए डिमांड करेगा, तो इस वजह से जो फॉरेन करेंसी की डिमांड है वो बढ़ेगी। जैसे अमेरिका से इंपोर्ट किया, अमेरिका से सपोज करो इलेक्ट्रॉनिक जो गुड्स हैं वो इंपोर्ट की, तो उस इंपोर्ट की जो पेमेंट जाएगी वो डॉलर के अंदर जाएगी, तो जो डॉलर की डिमांड है वो बढ़ेगी। इसी तरह से थर्ड पॉइंट दे रखा है इंडिविजुअल वांट्स टू इन्वेस्ट अब्रॉड। अगर हमारा इंडिया का कोई इंडिविजुअल फॉरेन कंट्रीज़ में कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो जिस कंट्री के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा वहाँ की वो करेंसी जो है उस करेंसी में उसको इन्वेस्ट करना होगा। तो जिस कंट्री के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उस करेंसी की जो डिमांड है वो हमारे इंडियन इंडिविजुअल के द्वारा की जाएगी। तो ये तीन कारण हैं। अगर हमारा इंडिया का कोई टूरिस्ट टूर पर जाता है फॉरेन कंट्री में तो फॉरेन करेंसी की डिमांड इंक्रीज होती है, तो बढ़ती है। अगर डोमेस्टिक जो फर्म्स हैं अगर वो इंपोर्ट करती हैं किसी कंट्री से तो इंपोर्ट की पेमेंट करने के लिए फॉरेन करेंसी चाहिए। अगर इंडिविजुअल इंडिया का जो है अब्रॉड मतलब फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है तो उस इन्वेस्टमेंट के लिए भी फॉरेन करेंसी चाहिए। तो ये तीन कारण हैं जिसकी वजह से जो फॉरेन करेंसी की डिमांड है वो बढ़ती है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसीज अराइज। सप्लाई क्यों बढ़ती है, पहला पॉइंट दे रखा है फॉरेन टूरिस्ट विजिट टू डोमेस्टिक कंट्री। अगर कोई फॉरेन का टूरिस्ट हमारी इंडिया के अंदर अगर विजिट करने आ रहा है, टूर पर आ रहा है, तो उस फॉरेन टूरिस्ट का जो उसकी करेंसी है उसकी कंट्री की वो हमारी इंडिया के अंदर नहीं चलेगी, उसको अपनी जो फॉरेन करेंसी है वो इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करानी होगी। तो इससे क्या आएगा, जब वो
फॉरेन करेंसी को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कराएगा तो हमारे पास जो फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व है वो बढ़ जाएगा। इसी तरह से फ्रॉम एक्सपोर्ट, अगर इंडियन जो मैन्युफैक्चरर है अगर वो अपना जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट करता है तो उस एक्सपोर्ट की जो पेमेंट आएगी वो फॉरेन करेंसी में आएगी, तो भी जो हमारे फॉरेन मतलब जो करेंसी है वो बढ़ेगी। थर्ड है रिसीविंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, अगर बाहर बाहर वाली कंट्री से कोई इंडिविजुअल जो हमारी कंट्री के अंदर हमारी इंडिया के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो इन्वेस्टमेंट किस में आएगी, फॉरेन करेंसी में आएगी। तो इस तरह से जो फॉरेन करेंसी की जो सप्लाई है वो बढ़ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्स कौन कौन से हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के, तीन एलिमेंट्स हैं ज्योग्राफिकल, पार्टिसिपेंट एंड फंक्शनल। ज्योग्राफिकल में ये क्या कहते हैं भी जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसकी कोई ज्योग्राफिकल लिमिट्स नहीं है, ज्योग्राफिकल उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, जितनी भी वर्ल्ड की जो भी कंट्रीज़ हैं वो सारी जो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में फॉरेन करेंसी में डील करती हैं। और इसके अलावा जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो 24 आवर्स जो है असेस प्रोवाइड करती है, कभी एनी टाइम क्या होता है भी जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन है वो की जा सकती है। तो इस तरह से कहने का मतलब है जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसकी कोई ज्योग्राफिकल जो बाउंड्रीज हैं वो नहीं है। इसके बाद सेकेंड जो एलिमेंट है वो है फंक्शनल। फंक्शनल देखो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का जो मेन फंक्शन है, जो मेन कार्य है वो है परचेजिंग पावर को ट्रांसफ़र करना। अब परचेजिंग पावर क्या होती है, परचेजिंग पावर का मीनिंग होता है कि एक यूनिट करेंसी से आप कितनी गुड्स और जो सर्विसेज हैं वो परचेज कर सकते हो। कहने का मतलब है एक यूनिट करेंसी में कितना गुड्स और सर्विसेज जो है परचेज करने की जो कैपेसिटी है तो वो कहलाती है आपकी परचेजिंग पावर। तो इस तरह से परचेजिंग पावर किस तरह से ट्रांसफ़र करती है, जैसे इंडिया का जो इंडियन रुपीज़ है अगर उसकी जो परचेजिंग पावर है वो सिर्फ इंडिया के अंदर है अगर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ना हो, क्योंकि जो इंडियन रुपीज़ है वो सिर्फ इंडिया के अंदर मतलब चलेगा। अगर तो अगर मतलब कोई इंडिया का जो है टूरिस्ट दूसरी कंट्री में जाएगा तो वो क्या करेगा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के थ्रू अपनी जो रुपीज़ है वो फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करा लेगा। तो इस तरह से क्या होगा, इंडिया की जो करेंसी की परचेजिंग पावर है वो इंडिया से कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी, उस फॉरेन कंट्री में। तो इस तरह से ये क्या कहता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का जो मेन पर्पस है वो करेंसी की जो परचेजिंग पावर है उसको ट्रांसफ़र करना है। इसके बाद थर्ड जो एलिमेंट है वो है पार्टिसिपेंट। टू टाइप्स के जो पार्टिसिपेंट हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, एक तो होते हैं होलसेल पार्टिसिपेंट और दूसरे हैं रिटेल पार्टिसिपेंट। होलसेल पार्टिसिपेंट में क्या होता है, होलसेल पार्टिसिपेंट कौन से होते हैं जिनके द्वारा जो फॉरेन करेंसी में जो ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं वो लार्ज क्वांटिटी के अंदर की जाती हैं, जैसे जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज होगी होलसेल पार्टिसिपेंट के अंदर, इंश्योरेंस कंपनीज होगी, म्यूचुअल फंड्स हो गए, पेंशन फंड्स हो गए, प्रोविडेंट फंड्स हो गए, हेज फंड्स हो गए। तो होलसेल पार्टिसिपेंट का क्या मीनिंग हुआ, वो पार्टिसिपेंट जिनके द्वारा फॉरेन करेंसी में जो ट्रांजेक्शन की जाएगी वो लार्ज क्वांटिटी के अंदर की जाएगी वो होलसेल पार्टिसिपेंट कहलाएंगे, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई, बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई। दूसरा जो पार्टिसिपेंट है वो है रिटेल पार्टिसिपेंट। रिटेल पार्टिसिपेंट वो पार्टिसिपेंट होते हैं जिनके द्वारा जो फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन की जाती है वो मतलब कम क्वांटिटी में की जाती हैं, जैसे इंडिया का अगर मतलब टूरिस्ट है तो उसके द्वारा जो करेंसी कन्वर्ट करवाई जाएगी वो मतलब कम क्वांटिटी में करवाई जाएगी। इसके अलावा एक्सपोर्टर इम्पोर्टर हो गए, इंडिविजुअल एक्सपोर्टर इम्पोर्टर हो गए, स्मॉल इन्वेस्टर्स हो गए, तो ये सब जो हैं वो पार्टिसिपेंट जिनके द्वारा कम क्वांटिटी में जो ट्रांजेक्शन है फॉरेन करेंसी में की जाती है वो आपके रिटेल पार्टिसिपेंट कहलाते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के जो एलिमेंट हैं वो तीन हैं, ज्योग्राफिकली जो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की कोई बाउंड्रीज नहीं है, फंक्शनल मतलब जो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या काम करता है भी इसका मेन जो काम है वो परचेजिंग पावर को ट्रांसफ़र करना है, थर्ड पार्टिसिपेंट है भी कौन कौन जो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में पार्टिसिपेट करता है, तो एक तो हो गए होलसेल पार्टिसिपेंट जिनके द्वारा जो ट्रांजेक्शन की जाती है फॉरेन करेंसी में वो लार्ज क्वांटिटी में की जाती है, और वो एक हो गए रिटेल पार्टिसिपेंट जिनके द्वारा जो ट्रांजेक्शन की जाती है फॉरेन करेंसी में वो स्मॉल क्वांटिटी में की जाती है। इसके फीचर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कौन सी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की है। पहले दे रखी है ज्योग्राफिकल डिस्पर्सन, ये मैंने आपको बता दिया अभी, जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसकी कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं है,
वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में पार्टिसिपेट करती हैं, इसी तरह से जैसे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट की जो सेंट्रलाइज्ड मार्केट है, इस तरह से जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसकी कोई सेंट्रलाइज्ड जो मार्केट है वो नहीं है। सेकेंड पॉइंट है कॉन्टीन्यूस ऑपरेशंस। कॉन्टीन्यूस ऑपरेशंस का मतलब है भी जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो फॉरेन एक्सचेंज जो ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं वो 24 आवर्स की जाती हैं, तो जो भी मतलब ट्रांजेक्शन्स हैं वो कंटिन्यू हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। थर्ड है ह्यूज ट्रेडिंग वॉल्यूम। ये क्या कहता है भी एक दिन के अंदर लार्ज नंबर ऑफ जो ट्रांजेक्शन हैं डिफरेंट फॉरेन करेंसीज़ में वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डेली के डेली होती हैं। इसके बाद है हाई लिक्विडिटी। यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में लिक्विडिटी का मतलब है भी कितनी इजीली कितनी जल्दी जो है एक करेंसी जो है दूसरी करेंसी में कन्वर्ट की जा सकती है। तो देखो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, 24 आवर्स असेस प्रोवाइड करती है, और जो है ऑनलाइन मतलब करेंसी कन्वर्जन होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के थ्रू जितनी भी वर्ल्ड की कंट्रीज हैं वो कनेक्टेड हैं। तो इस तरह से जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो हाई लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है। इसके बाद है मल्टीपल फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज रेट। ये क्या कहता है, जो एक्सचेंज रेट है उस वो काफ़ी सारे फैक्टर्स के द्वारा अफेक्ट किया जाता है, जैसे इकोनॉमिक कंडीशंस हो गई, मॉनेटरी कंडीशंस हो गई, पॉलिटिकल कंडीशंस, ट्रेड मूवमेंट्स, बैंकिंग ऑपरेशंस। देखो हम देख लेते हैं पॉलिटिकल कंडीशंस किस तरह से अफेक्ट करते हैं। जैसे अगर किसी कंट्री की जो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं अगर वो स्टेबल हैं, अगर उस किसी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन है, और मतलब कॉर्डियल जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं, तो ज़्यादातर इन्वेस्टर क्या चाहेंगे, उस कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। तो जब जो इन्वेस्टर्स हैं उस कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो वो फॉरेन करेंसी लेकर आएंगे। फॉरेन करेंसी वो एज इट इज़ उस कंट्री के अंदर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो उस फॉरेन करेंसी को उस कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट कराएंगे। तो जब वो फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं उस कंट्री की करेंसी के लिए करेंसी कन्वर्जन के लिए डिमांड करेंगे तो उस कंट्री की जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी जो डिमांड है वो बढ़ेगी। तो इससे क्या होगा, जो एक्सचेंज रेट है वो पॉजिटिव जाएगा। तो इस तरह से कहने का मतलब है भी जिस कंट्री की जो पॉलिटिकल कंडीशंस जो हैं स्टेबल होती हैं, मतलब अच्छे उनके इंडस्ट्रियल रिलेशंस होते हैं, तो उन कंट्रीज का जो एक्सचेंज रेट है वो मतलब राइज होने की जो है पॉसिबिलिटी होती है। और एक दूसरी तरफ ऐसी कंट्री जिसकी जो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं वो अनस्टेबल हैं, चेंजेबल हैं, तो वहाँ के जो एक्सचेंज रेट हैं वो डिक्रीज जाने के चांसेस होते हैं। तो इस तरह से ये क्या कहते हैं, जो एक्सचेंज रेट है वो काफ़ी सारे फैक्टर्स के द्वारा अफेक्ट होता है, पॉलिटिकल कंडीशंस के द्वारा, मॉनेटरी कंडीशंस के द्वारा, इकोनॉमिक कंडीशंस के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब है कि जो भी इन्फॉर्मेशन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से रिलेटेड चाहिए वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑनलाइन अवेलेबल होती है, भी कौन सी करेंसी का क्या प्राइस चल रहा है और कौन सी करेंसी का क्या प्राइस चल रहा है। तो इस तरह से जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो पूरी जो ट्रांसपेरेंसी है वो पार्टिसिपेंट्स को प्रोवाइड करती है। इसके बाद है डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक मीन्स चेंजेबल। भी जो एक्सचेंज रेट हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में वो डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा डिसाइडेड होते हैं, तो जब एक्सचेंज रेट डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा डिसाइड होंगे तो वो चेंजेबल होंगे, मतलब फ्लेक्सिबल होंगे। तो इस तरह से जो एक्सचेंज रेट हैं वो डायनेमिक हैं, चेंजेबल हैं। इसके बाद है वेरियस फॉरेन एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट्स। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में काफ़ी सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, काफ़ी सारी जो टेक्निक्स हैं वो यूज़ की जाती हैं पार्टिसिपेंट्स के द्वारा, जैसे स्पोर्ट फॉरेक्स हो गया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ऑप्शंस हो गए, फ्यूचर हो गए, करेंसी होगी, स्वैप होगी। तो ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सारी जो टेक्निक्स हैं जो पार्टिसिपेंट के द्वारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में यूज़ की जाती हैं, ज़्यादातर उनका जो पर्पज़ होता है वो एक्सचेंज रेट से रिलेटेड जो रिस्क राइज होती है उससे प्रोटेक्ट करना होता है। इसके बाद है इलेवेंथ नेक्स्ट पॉइंट है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब है भी जो एक्सचेंज रेट है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में वो स्टेबल नहीं है, एक्सचेंज रेट को जो है काफ़ी सारे जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं, जैसे आपने देखा था पॉलिटिकल कंडीशंस हो गई, मॉनेटरी कंडीशंस हो गई। तो इस तरह से अगर कोई पार्टिसिपेंट जैसे स्पेकुलेटर है, स्पेकुलेटर क्या करते हैं भी जो भी प्राइजेज में चेंज होंगे उस प्राइजेज में चेंज होने का जो बेनिफिट है वो लेते हैं। तो इस तरह से स्पेकुलेटर क्या करते हैं, जब किसी करेंसी के जो प्राइसेज होते हैं वो कम होते हैं तब उस करेंसी को परचेज कर लेते हैं, उनको ये लगता है कि फ्यूचर में इसके जो प्राइजेज हैं वो बढ़ेंगे।
तो वो क्या करेंगे, स्पेकुलेटर कम रेट पर करेंसी को परचेज करेंगे, और जब प्राइस बढ़ने के चांसेस होंगे तो वो उसको सेल कर देंगे, और इस तरह से वो प्राइस में जो डिफरेंस है उससे प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो कई बार क्या होता है भी, जो उनका एस्टीमेट होता है फ्यूचर का, वो मतलब सही नहीं निकलता। तो इस तरह से जो स्पेकुलेटर्स हैं उनके लिए मतलब सर्टेनिटी नहीं रहती, कई बार उनको जो है काफ़ी सारा जो लॉस है वो पियर करना पड़ता है। तो इस तरह से ये क्या कहते हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो अनसर्टेन है। इसके बाद है वेरियस टाइप्स ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे होलसेल पार्टिसिपेंट बता दिया, मल्टीनेशनल कंपनीज होगी, म्यूचुअल फंड्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज होगी, और रिटेल पार्टिसिपेंट्स जैसे इंडिविजुअल एक्सपोर्टर हो गया, इंपोर्टर हो गया, टूरिस्ट हो गया। तो इस तरह से ये जो है पार्टिसिपेंट, होलसेल पार्टिसिपेंट एंड रिटेल पार्टिसिपेंट। इसके बाद है फंक्शंस कौन कौन से हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के, तीन फंक्शंस हैं इसके। पहला है करेंसी कन्वर्जन। करेंसी कन्वर्जन का मीनिंग है ट्रांसफर परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। तो इसमें क्या होता है, देखो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के थ्रू ही क्या होता है भी, जो करेंसी है एक कंट्री की वो दूसरी करेंसीज में कन्वर्ट की जा सकती है। तो इससे क्या होता है, एक कंट्री की जो परचेजिंग पावर है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र की जा सकती है। परचेजिंग पावर मैंने आपको बता दिया भी, एक यूनिट करेंसी से आप कितनी जो गुड्स हैं और जो सर्विसेज हैं उनको परचेज कर सकते हो। तो इस तरह से जैसे अगर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ना होती तो जो इंडियन रुपीस है वो इंडिया के अंदर ही चलता, और इस तरह से इंडियन रुपीस किसी अदर कंट्री में ना चलता। तो इसी तरह से जब से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से जो इंडियन रुपीस की जो परचेजिंग पावर है वो दूसरी कंट्रीज को भी ट्रांसफ़र की जा सकती है। इसके बाद सेकेंड है हेजिंग फंक्शन। हेजिंग का मतलब होता है मिनिमाइजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। ये क्या कहते हैं, एक्सचेंज रेट में चेंज होने से, जो एक्सचेंज रेट में चेंज होने से जो मतलब लॉस होता है, चाहे वो एक्सपोर्टर है चाहे वो इम्पोर्टर है, तो उस लॉस को या उस रिस्क को किस तरह से कम किया जा सकता है, वो सारा जो है हेजिंग के अंदर कंसिडर किया जाता है। तो हेजिंग की काफ़ी सारी जो टेक्निक्स हैं वो यूज़ की जाती हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गए, स्वैप हो गए, करेंसी ऑप्शंस हो गए। तो पार्टिसिपेंट क्या करते हैं, एक्सचेंज रेट से के बढ़ने या घटने से जो रिस्क होता है उससे बचने के लिए कई बार वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, या फिर ऑप्शंस का पार्ट ले लिया, या फिर स्वैप ले लिया। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का, सपोज करो इंडिया का जो है इम्पोर्टर है, उसने क्या किया, अमेरिका से जो है गुड्स इम्पोर्ट की। तो अगर आज की डेट में उसने जो गुड्स हैं अगर वो इम्पोर्ट की हैं, तो अगर उसको आज पेमेंट करेगी, आज का जो एक्सचेंज रेट चल रहा है सपोज करो वो क्या है, $1 के बदले में जो 60 रुपये पेमेंट करनी पड़ रही है। तो इम्पोर्टर क्या कहता है भी, मेरे पास पेमेंट करने के लिए आज मतलब पैसे नहीं है, मैं आपको 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ जो है पेमेंट करूंगा। तो देखो जरूरी नहीं है जो आज का जो एक्सचेंज रेट है वो आफ्टर 1 मंथ हो, आफ्टर 1 मंथ जो एक्सचेंज रेट है वो कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस तरह से जो इम्पोर्टर है अगर वो आफ्टर 1 मंथ पेमेंट करेगा तो उसको लॉस भी हो सकता है और उसको प्रॉफिट भी हो सकता है। तो जो इम्पोर्टर है वो क्या करेगा, उस लॉस से बचने के लिए, अगर एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है तो लॉस से बचने के लिए वो क्या करेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा एक्सपोर्टर के साथ। वो क्या कहेगा उसको भी, मैं जो पेमेंट है वो आफ्टर 1 मंथ करूंगा, बट जो पेमेंट की जाएगी वो आज के रेट पे की जाएगी, मतलब जो रेट आज की डेट में है मैं उस रेट पर पेमेंट करूंगा आफ्टर 1 मंथ। तो इस तरह से जो एक्सपोर्टर हैं वो इम्पोर्टर हैं वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, इसमें जो आज का रेट है इसके रेट पर मतलब $1 के बदले जो 60 रुपये हैं उसकी पेमेंट आफ्टर 1 मंथ की जाएगी। तो आफ्टर 1 मंथ जो है एक्सचेंज रेट जो भी हो, चाहे $1 के बदले 50 हो, चाहे $1 के बदले में 70 हो, तो जो पेमेंट होगी वो आज की रेट पर होगी। तो इस तरह से जो इम्पोर्टर है वो जो एक्सचेंज रेट घटने या बढ़ने से जो रिस्क बियर करना पड़ता है उससे वो बच जाएगा। तो इस तरह से काफ़ी सारी जो हेजिंग टेक्निक्स हैं वो जो पार्टिसिपेंट्स के द्वारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में रिस्क से बचने के लिए यूज़ की जाती है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है क्रेडिट। देखो क्रेडिट में क्या होता है, ज़्यादातर ना इसमें कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ की जाते हैं, जैसे मतलब एक बिल ऑफ एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ज़्यादातर ये इंटरनेशनल ट्रेड में यूज़ किया जाता है। जैसे सपोज करो एक बायर है उसको हम ए बोलते हैं, और जो सेलर है वो बी पार्टी है। तो बायर क्या कहता है सेलर से भी, आप ऐसा करो मुझे मतलब इतनी जो क्वांटिटी है आप मुझे उधार दे दो, और आपको जो पेमेंट है वो मैं आपको बाद में कर दूंगा।
तो जो सेलर है वो उसको क्या बोलता है, ठीक है मैं आपको जो है उधार जो है सामान जो है गुड्स जो है दे दूंगा, बट आपको एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो है साइन करना पड़ेगा। तो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो किसके द्वारा इशू किया जाएगा, वो सेलर के द्वारा इशू किया जाएगा। और उस बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होगी, सारी पेमेंट लिखी होगी, कितनी पेमेंट करनी है, टर्म्स एंड कंडीशन सारी लिखी होगी पेमेंट की, और कितनी अमाउंट होगी, किस डेट को होगी। तो सेलर क्या करेगा, एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो इंस्ट्रूमेंट है वो इशू करेगा, और उस बिल ऑफ एक्सचेंज वो जो है बायर को दे देगा, और बायर उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस तरह से सेलर ने जो कंडीशंस उस बिल ऑफ एक्सचेंज में रखी हैं वो सारी जो कंडीशंस हैं वो बायर को माननी पड़ेंगी। तो बायर क्या करेगा, जो डेट उस इंस्ट्रूमेंट पे लिखी हुई है उस डेट को जो है सेलर को पेमेंट कर देगा। तो इस तरह से ये क्या कहता है, जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो बायर को जो है क्रेडिट जो फैसिलिटी है वो भी गुड्स से रिलेटेड प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से तीन मेन फंक्शंस थे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के, करेंसी कन्वर्जन, हेजिंग एंड। इसके बाद है पार्टिसिपेंट इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, बी मतलब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, किस किसके द्वारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डीलिंग की जाती है। पहला पॉइंट है फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स एंड डीलर्स। देखो जो ब्रोकर्स हैं वो एक टाइप के इंटरमीडिएटर होते हैं किसके बीच में, बायर एंड सेलर के बीच में। तो ये क्या कहते हैं, जो सेलर है वो फॉरेन करेंसी को सेल करना चाहता है और जो बायर है फॉरेन करेंसी को परचेज करना चाहता है। तो ब्रोकर क्या करते हैं, बायर और सेलर के बीच में जो है इंटरमीडिएटर का काम करते हैं, और ब्रोकर उन दोनों से, सेलर से उसकी करेंसी सेल करवाने के बदले में कमीशन चार्ज करते हैं, और बायर से भी उसको दिलवाने के बदले में कमीशन चार्ज करते हैं। तो इस तरह से जो ब्रोकर हैं वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कमीशन अर्न करने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा इसमें है डीलर्स। डीलर्स जो हैं सिर्फ वही डीलर्स जो आरबीआई के द्वारा अथोराइज्ड हैं इंडिया के अंदर, सिर्फ वही जो है फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकते हैं, फॉरेन करेंसीज को सेल परचेज कर सकते हैं। तो डीलर्स क्या करते हैं, ज़्यादातर डीलर्स के द्वारा जो फॉरेन करेंसी है वो खुद परचेज की जाती है, और इसके बाद कुछ प्रॉफिट पर वो डीलर क्या करते हैं, उस करेंसी को सेल करते हैं। तो इस तरह से जो ब्रोकर्स हैं वो तो कमीशन बेसिस पर काम करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, और जो डीलर्स हैं वो अपने खुद के बेस पर प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो है करेंसीज में, डिफरेंट करेंसीज में डील करते हैं। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स दो फंक्शंस जो है, दो मतलब मेन जो है काम जो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में करती है। पहला है, एक तो कमर्शियल बैंक क्लियरिंग हाउसेस का काम करती है। क्लियरिंग हाउसेस में क्या करती है, जो अर्नर्स होते हैं फॉरेन करेंसीज के उनसे तो वो फॉरेन करेंसी को लेती है, और जो यूजर्स होते हैं फॉरेन करेंसी को उनको वो प्रोवाइड करती है। कहने का मतलब है क्लियरिंग हाउसेस का काम करती है किसके बीच में, फॉरेन करेंसी अर्नर्स के बीच में और फॉरेन करेंसी के यूजर्स के बीच में। अब देखो फॉरेन करेंसी के जो अर्नर्स होंगे वो कौन होंगे, जैसे अगर हमारा इंडिया का जो एक्सपोर्टर है, अगर वो प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है, गुड्स को एक्सपोर्ट करता है, तो बदले में उसको क्या मिलेगा, फॉरेन करेंसी मिलेगी। पेमेंट किस में मिलेगी, फॉरेन करेंसी में मिलेगी। तो हमारे इंडिया के जो एक्सपोर्टर होंगे वो क्या कहलाएंगे, फॉरेन करेंसी के अर्नर कहलाएंगे, और जो यूजर्स कौन कहलाएंगे, जो हमारे इंडिया के इम्पोर्टर हैं। तो अगर वो फॉरेन कंट्रीज से इम्पोर्ट करेंगे तो इम्पोर्ट की पेमेंट फॉरेन करेंसी में जाएगी, तो जो इम्पोर्टर हैं उनको फॉरेन करेंसी चाहिए, तो वो फॉरेन करेंसी की डिमांड करेंगे, तो वो यूजर्स होंगे। एक्सपोर्टर क्या कहलाएंगे, अर्नर्स, और इम्पोर्टर क्या क्या कहलाएंगे, यूजर्स। तो इस तरह से अब जो अर्नर्स हैं, जो एक्सपोर्टर हैं, उनको पेमेंट तो मिल गई फॉरेन करेंसी में, बट वो उस फॉरेन करेंसी को एज इट इज़ इंडिया के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। वो क्या कराएंगे, उस फॉरेन करेंसी को इंडियन रूपीज में कन्वर्ट कराएंगे। तो वो जो अर्नर्स हैं, जो एक्सपोर्टर हैं, वो किसके पास जाएंगे, कमर्शियल बैंक्स के पास जाएंगे। वो क्या करेंगे, उस फॉरेन करेंसी को कमर्शियल बैंक को देंगे, और कमर्शियल बैंक से इंडियन रूपीज ले लेंगे। अब फर्दर जो है कमर्शियल बैंक क्या करेगी उस फॉरेन करेंसी का, वो क्या करेगी, उस फॉरेन करेंसी को जो है यूजर्स को प्रोवाइड करेगी। यूजर्स कौन है, इंपोर्टर हैं जिनको फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी है, या फिर इंडियन टूरिस्ट होते हो सकते हैं, जैसे जो मतलब फॉरेन कंट्री में टूर पर जाएंगे तो उनको फॉरेन करेंसी चाहिए। तो इस तरह से जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर, या फिर हम कह सकते हैं फॉरेन करेंसी के अर्नर और जो यूजर्स हैं उनके बीच में क्लियरिंग हाउसेस का काम करती हैं। दूसरा जो काम है कमर्शियल बैंक का वो है डीलर के रूप में काम करना। कमर्शियल बैंक क्या करती हैं, अपनी मतलब खुद के बेस पर काफ़ी सारी जो फॉरेन करेंसीज हैं उसको परचेज कर लेती हैं, और मतलब एक टाइप से स्पेकुलेटर का काम करती हैं। आज कम रेट पे परचेज कर ली फॉरेन करेंसी, जैसे ही कमर्शियल बैंक्स को लगेगा जो प्राइसेस हैं उन करेंसी के बढ़ेंगे, तो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, उस फॉरेन करेंसी को सेल कर देंगे। इस तरह से प्राइस में डिफरेंस का जो प्रॉफिट है वो कमर्शियल बैंक्स अर्न करते हैं, एज ए डीलर काम करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में।
थर्ड जो पॉइंट है कॉरपोरेट बॉडीज। कॉरपोरेट बॉडीज कौन सी होती है, कंपनीज होती हैं। तो कंपनीज क्या करती हैं, देखो एक तो कंपनीज के द्वारा क्या की जाती है, फॉरेन ट्रेड की जाती है, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है या फिर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो इस तरह से अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी क्या कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है, तो उसको पेमेंट मिलेगी फॉरेन करेंसी में मिलेगी। तो मल्टीनेशनल करेंसी की कंट्री क्या करेगी, अपनी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसमें मतलब कन्वर्ट कराएगी, तो वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में पार्टिसिपेट करेगी। इसके अलावा अगर कॉरपोरेट सेक्टर क्या है, फॉरेन कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो जिस कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा उस कंट्री की करेंसी चाहिए, तो उसके लिए वो कन्वर्ट कराएगा। तो इस तरह से काफ़ी सारे जो फंक्शंस हैं, जो काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन हैं, वो मतलब कॉरपोरेट बॉडीज़ के द्वारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में की जाती हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है हेजर्स। हेजर्स कौन होते हैं, ये आपके जो हेजर्स हैं, हेजिंग मीन एक टाइप से ना रिस्क रिड्यूसिंग टेक्निक है। रिस्क मतलब जो एक्सचेंज रेट में फ्लैक्चुएशन आने से जो लॉस जो है पार्टिसिपेंट्स को बियर करना पड़ता है, तो उस लॉस से कैसे बचा जा सकता है। तो कुछ ऐसे इस तरह की हेजिंग टेक्निक्स हैं जिनको अडॉप्ट करके क्या होता है, जो हेजर्स हैं अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। तो हेजर कोई भी हो सकता है, वो इम्पोर्टर भी हो सकता है, वो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, वो मल्टीनेशनल कंपनीज भी हो सकती हैं, वो एक्सपोर्टर भी हो सकती हैं। तो इस तरह से जो हेजर्स हैं वो उनका मेन काम क्या है, रिस्क को कम करना, रिस्क से सेफ्टी मतलब लेना। तो जैसे इम्पोर्टर हैं, तो जैसे मैंने एग्जांपल बताया, इम्पोर्टर क्या करते हैं, आज उन्होंने इम्पोर्ट कर लिया बट उनके पास आज पेमेंट करने के लिए करेंसी नहीं है, तो वो क्या कहते हैं, 1 महीने बाद करेंगे। तो वो क्या करेंगे, एक्सपोर्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे भी आज के रेट पर जो पेमेंट होगी वो फ्यूचर डेट में की जाएगी। तो आफ्टर मतलब जैसे फ्यूचर रेट में जो मर्जी एक्सचेंज रेट हो, जो पेमेंट होगी इम्पोर्टर के द्वारा एक्सपोर्टर को जो की जाएगी, वो जो आज का रेट है उस पर की जाएगी। तो इस तरह से जो हेजर हैं वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या करते हैं, एक्सचेंज रेट जो रिस्क है उससे बचने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद है स्पेकुलेटर्स। स्पेकुलेटर्स कौन होते हैं, वो मतलब इंडिविजुअल्स या फिर वो कंपनीज या फिर वो बैंक्स जो क्या चाहते हैं, जो एक्सचेंज रेट में जो फ्लैक्चुएशंस आती हैं, प्राइसेस में जो डिफरेंस आता है करेंसीज की में, उनका बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो स्पेकुलेटर क्या करते हैं, जैसे उनको ये लगता है कि किसी करेंसी की जो प्राइस है वो आज कम है और फ्यूचर में उसके जो प्राइसेस हैं उस करेंसी के बढ़ने के चांसेस हैं, तो स्पेकुलेटर क्या करेंगे, आज मतलब उन करेंसीज को कम रेट पर खरीद लेंगे और जैसे ही उसके जो प्राइजेस हैं बढ़ जाएंगे वैसे ही उसको सेल कर देंगे और जो प्रॉफिट है वो अर्न कर लेंगे। तो इस तरह से जो स्पेकुलेटर्स का जो मेन काम होता है वो प्राइस फ्लैक्चुएशन से प्रॉफिट को अर्न करना होता है। इसके बाद है सेंट्रल बैंक। जैसे हमारे इंडिया की जो सेंट्रल बैंक है वो कौन सी, आरबीआई है। अब आरबीआई कैसे पार्टिसिपेट करती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, एक तो आरबीआई जो है ज़्यादातर गवर्नमेंट के बिहा पर मतलब फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स करती है। जैसे मतलब गवर्नमेंट ने बॉन्ड्स इंटरनेशनल मतलब मार्केट में बॉन्ड्स इशू किए, तो उस बॉन्ड्स की जो सेल परचेज की जाएगी वो मतलब गवर्नमेंट के बिहाफ पर आरबीआई के द्वारा की जाएगी। तो अगर इसी तरह से अगर फॉरेन एक्सचेंज जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के रिसीट्स हैं, जो पेमेंट्स हैं उनकी सेटलमेंट के लिए भी जो ट्रांजेक्शन की जाती हैं ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन, वो भी आरबीआई के द्वारा की जाती हैं। तो इस तरह से जो आरबीआई है, जो सेंट्रल बैंक है, उसका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, बट वो क्या करती है, गवर्नमेंट के बिहा पर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में पार्टिसिपेट करती है। इसके बाद है रिटेल ट्रेडर्स। रिटेल मैंने आपको बता दिए, वो ट्रेडर्स जिनके द्वारा जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं वो स्मॉल क्वांटिटी में की जाती हैं, वो रिटेल ट्रेडर्स कहलाते हैं। जैसे आपके टूरिस्ट हो गए। इसके अलावा अगर हम मतलब इंडिया के स्टूडेंट्स को मतलब फॉरेन कंट्रीज में हायर स्टडीज़ के लिए जाना है तो वो हो गए रिटेल ट्रेडर्स, या फिर पेशेंट हो गए जिन्होंने फॉरेन कंट्री में ट्रीटमेंट करवाना है। इसके बाद इंडिविजुअल एक्सपोर्टर इंपोर्टर हो गए। तो ये सब पार्टिसिपेंट जो स्मॉल क्वांटिटी में ट्रांजेक्शन करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, रिटेल ट्रेडर्स कहलाते हैं। इसके बाद है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म्स। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म्स के द्वारा मेन दो काम किए जाते हैं, एक तो है बाय एंड सेल फॉरेन सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर्स। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म्स क्या करती हैं, अपने कस्टमर के बिहाफ पर
जो है फॉरन जो फॉरेन करेंसीज हैं, जो फॉरेन सॉरी फॉरेन सिक्योरिटीज़ हैं, उनको शेयर परचेज करती हैं। जैसे जैसे जो पेंशन फंड्स में जो पैसा होता है म्यूचुअल फंड्स में, तो वो क्या करती हैं फॉरेन कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करती हैं, फॉरेन जो इंटरनेशनल जो सिक्योरिटीज़ हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करती हैं। दूसरा जो काम है वो है स्पेकुलेशन का फंक्शन। स्पेकुलेशन आपको पता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फॉर्म्स हैं वो फॉरेन करेंसीज को परचेज करती हैं, और जैसे ही उनके जो प्राइसेस हैं वो बढ़ते हैं तो सेल कर देती हैं और उससे जो प्रॉफिट होता है वो अर्न करती हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट है नॉन बैंकिंग फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज। नॉन बैंकिंग कौन सी कंपनीज? नॉन बैंकिंग जो बैंकिंग फंक्शंस जो है प्रोवाइड नहीं करती। तो मेन जो नॉन बैंकिंग फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज का जो काम है वो एज ए ब्रोकर काम करना है। एज ए ब्रोकर वो क्या काम करती हैं? बायर एंड सेलर के बीच में इंटरमीडिएटर का काम करती हैं और उनसे जो कमीशन है वो चार्ज करते हैं। तो ये थे मेन जो पार्टिसिपेंट हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में: फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर, डीलर्स, कमर्शियल बैंक्स, कॉरपोरेट बॉडीज, हेजर्स, स्पेकुलेटर्स, सेंट्रल बैंक, रिटेल ट्रेडर्स, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फॉर्म्स, नॉन बैंकिंग फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज। तो आज का टॉपिक था हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, उसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके क्या क्या पार्टिसिपेंट्स हैं, और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के द्वारा कौन कौन से जो फंक्शंस हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इसमें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। जैसे फर्स्ट दे रखा है, हु मेंटेन्स द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन इंडिया? इंडिया के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व है किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? आरबीआई के द्वारा, एसबीआई के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, या फिर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा? तो ये आपने बताना है। इसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन है, कमर्शियल बैंक्स पार्टिसिपेट इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एस भी? जो कमर्शियल बैंक हैं वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में किस तरह पार्टिसिपेंट करते हैं? क्या वो क्लियरिंग हाउसेस के रूप में, या फिर डीलर के रूप में, या फिर वो दोनों के रूप में, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, फीचर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है? हाई लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, डायनेमिक है या नहीं, ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है या नहीं, या फिर सभी? इसके बाद नेक्स्ट है, फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस इज? जो एक्सचेंज रेट जो है मार्केट फोर्सेस के द्वारा जो डिसाइड होता है वो कौन सा एक्सचेंज रेट होता है? फिक्स्ड होता है, या फ्लेक्सिबल होता है, या दोनों होते हैं, या दोनों में से कोई नहीं? फिफ्थ क्वेश्चन है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ओरिजिन, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का जो ओरिजिन है इंडिया के अंदर कब हुआ? 1978 में हुआ, 1991 में हुआ, 1945 में हुआ, 1995 में हुआ? इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट डील्स इन, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट किस में डील करती है? गुड्स में करती है, सर्विसेज में करती है, या करेंसीज में करती है, या फिर तीनों में करती है? सेवन्थ क्वेश्चन है, फॉरेन एक्सचेंज का क्या मीनिंग है? फॉरेन एक्सचेंज का मीनिंग क्या फॉरेन करेंसी है, क्या एक्सचेंज रेट है, क्या एक्सचेंज ट्रांजेक्शन है, या फिर सभी हैं? तो आज का टॉपिक यही था।